पहला पॉइंट नोट करें और टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे पहला एग्जांपल आएगा, फर्स्ट एग्जांपल आएगा कि आपके पास एक शीट है, तो ये शीट है, ये एरिया है शीट का, ये शीट एक लिक्विड के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। कोई बोला सर ये तैर रही है, मैंने बोला यार ज़रूरी नहीं है, मुझे पता नहीं है तैर भी सकती है कि नहीं तैर, फिर यार लिक्विड की सरफेस के ऊपर कैसे पड़ी हुई है, क्योंकि लिक्विड का सरफेस इज एक्टिंग लाइक अ मेम्ब्रेन, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जाकर टिक भी सकती है, तो इसलिए तैरने का प्रिंसिपल तो तब है ना जब इसको पानी के अंदर लेके जाएंगे या लिक्विड के अंदर लेके जाएंगे। लिक्विड के अंदर लेके गई नहीं, सिर्फ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, राइट, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ एल है और विड्थ इसकी बी है, एक एल है एक बी है, लिख लो एल और बी। आपने क्या करना है, इसे ना ऊपर उठाना है, आपने इसे ऊपर उठाना है। आपको बताना है कि अगर इसका कोई वेट नहीं है, छोड़ दो वेट भी नहीं लेना, वेट नहीं है कुछ नहीं लेना आपने, ना अपथर्स लेना है, अपथर्स तो तब लेंगे ना जब ये पानी के अंदर जाएगी, तो पानी अपथर्स लगाएगा, डूबी नहीं है तो ये तो ऊपर आराम से बैठी हुई है, मॉलिक्यूल्स क्योंकि टाइट है मेम्ब्रेन की तरह है, उसके ऊपर जाके बैठ गई, और मेरे को इस प्लेट को ऊपर उठाना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की नीचे, और कोई फोर्स नहीं, वेट भी नहीं, अपथर्स भी नहीं, कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर। तो उड़ के फिर बाहर क्यों नहीं आ रही, खुद ही आ जाए, हाथ लगाने की जरूरत क्या है, मैं कह रहा हूँ वेट है ही नहीं, छोड़ दो नेग्लेक्टेड। अब बोलो अब तो आएगी। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम ना एक प्लेट तैर रही है ना पानी के ऊपर, तुम उठा के देख लो, उठा के देखो तो सही, आराम से उठेगी नहीं, पानी पानी भी साथ में लटकता हुआ नीचे गिरेगा, आसान नहीं है पानी के ऊपर से चीज़ को उठाना, आसान नहीं है, पानी के पार्टिकल चिपक जाएंगे उसके साथ, बड़े से एजन फोर्स है, प्लेट के पार्टिकल पानी की फोर्स को खींच लेंगे। अब सोचो क्या होगा जब आप इसे उठाएंगे ऊपर, तब तो देखा होगा पानी की पूरी लेयर उठती है पहले, तो फिर गिर जाती है, वेट की वजह से बात अलग है। तो जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, जैसे पानी इस तरीके से उठ जाएगा एकदम उठेगा, सरफेस टेंशन की फोर्स टेंजेंशियल है, इसका कंपोनेंट नीचे ऐड करेगा, तो सरफेस टेंशन की फोर्स हमेशा नीचे ऐड करती है जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितनी ऐड करती है ये बताएं, चलो आप ये बता दें व्हाट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की फोर्स ही बता दें, चलो डाउनवर्ड है वो तो मैंने बता दिया आपको। याद रखना अगर ये बॉडी आधी डूब मतलब आधी तैरती भी है और इसका कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड भी है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आर्कनी फॉलो कर रही है कि अपने जितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, ये तैर रही है अब बिल्कुल रेस्ट पे, हिल भी नहीं रहा पानी, तो उस केस में बॉडी का वेट नीचे एक्ट करता है और अप थ्रस्ट ऊपर एक्ट करता है, सरफेस टेंशन की फोर्स नीचे एक्ट करती है, ये याद रखना डायरेक्शंस, ठीक। तो सरफेस टेंशन की फोर्स नीचे एक्ट करेगी, इसे खींचेगी, पानी हमेशा खींचेगा, इस मीन्स ये खींचे रहेंगे आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स है। आप मुझे बताओ ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, सरफेस टेंशन इसमें मान लो सिग्मा गिवन है, ओके सिग्मा इंटू कितना, सिग्मा इंटू कितना एल की बी की एल प्लस बी की टू इंटू एल प्लस बी, टू इंटू एल प्लस बी या एल इंटू बी या एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, सरफेस टेंशन की फोर्स इज सरफेस टेंशन इंटू एरिया, मैं तो नहीं लिखवाया, लेंथ लिखवाई है भाई, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ तो आएगी, एरिया मत बोलो, एल इंटू बी तो मतलब ही नहीं है, वो तो एरिया हो गया, लेंथ बोलो कितनी है। ये कोई लॉजिक नहीं है। मुझे ये बताओ सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, ये तो बता दो, जहां फ्री सरफेस है, जहां फ्री, ओके ठीक है, ये देखो ये रहा ये रहा ये शीट, ये रही, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, ये देख रहे हो बाउंड्री, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये एयर के कांटेक्ट में, यहां पे होने वाली है सरफेस टेंशन, यहां पे होने वाली है सरफेस टेंशन, यहां पे होने वाली है सरफेस टेंशन, और यहां पे पानी के नीचे कौन सी सरफेस टेंशन है तो बताओ, पेरीमीटर लेंगे लेंथ में, तो बोल ही रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं, तो आपने हमेशा क्या लेना है इसका, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर लेना है, कोई भी बॉडी है नीचे घुस के ढूंढना मत कभी भी, कोई सरफेस टेंशन पानी के नीचे मिलेगी नहीं, जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं, नीचे हवा, नीचे तो हवा है ही नहीं,
तो नीचे पानी पानी है, मास एक्सेलरेशन होती नहीं है, तो बची क्या, सिर्फ ये लेंथ बची। तो क्या लिखेंगे, 2 × L + B। तो न्यूमेरिकल अगर शीट पे आएगा तो ये लिखना पहला केस। फिर दूसरा केस, सेकंड केस, केस नंबर टू, आपके पास एक रिंग है, थोड़ी ना थिक रिंग लेता हूँ मैं, बड़ी रिंग लेता हूँ, ये लो, इसका रेडियस R1 है, और या चलो कटी हुई डिस्क है, ऐसे मान लो, रिंग नहीं माननी, ना मानो, ऐसे मान लो, सरफेस टेंशन सिग्मा। अब ये भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, और मुझे फोर्स निकालनी है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो बोलो सिग्मा इंटू क्या लूँ, अब पेरीमीटर में क्या लूँ, सर्कमफेरेंस में क्या लूँ, बाहर माइनस अंदर वाला, प्लस लेंगे भाई, प्लस लेंगे। देखो अगर मान लो मैं ये फिगर ले आया ना, ये फिगर है और ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, अब फिर इमेजिन करो, ये देखो, इधर देखो, इधर ये तैर लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, तो ये मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में है, तो एक तो ये सर्कमफेरेंस ऐड करेंगे, फिर दूसरा क्या लेंगे, ये लेंगे, ये देख रहे हो, ये देखो ये वाला, ये भी लेंगे, और तीसरा क्या लेंगे, ये भी, अब तीन सर्कल है, ये भी इस फिगर में, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें क्या लेंगे, इसके अंदर 2πR1 भी लेंगे, 2πR2 भी लेंगे, आंसर 2πR1 + 2πR2। पॉइंट समझ में आ रहा है कि जहां जहां एयर के, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में, वो सारा लेंगे। तो सेकेंड केस क्लियर है। अब सुन लो दो क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं, ये तो दे ना दे उसकी मर्जी, पर ये तो पक्का देगा जो मैं पूछने वाला हूं। दो केस जिनमें से पहला केस है आपके पास एक थिन रिंग है, ठीक है, और ये थिन रिंग के अंदर ऑब्वियसली ये लिक्विड है। अब लिक्विड यहां पर भी है, यहां पर भी ऐसे है, ये लो, अब बोलो सरफेस टेंशन सिग्मा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बोलो सिग्मा इंटू कितना, कितने लोग बोल रहे हैं 4πR, इसका रेडियस अगर R है, ठीक बोल रहे हैं 4πR, ठीक है, यस ठीक बोल रहे, ठीक ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है इसके, देखो ये एक स्पेशल केस है, सच दैट R1 = R2 नेग्लिजिबल, क्योंकि अंदर और बाहर का रेडियस बराबर है। अब इसमें, इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल यहां भी होंगे एयर के कॉन्टैक्ट में, मॉलिक्यूल पीछे भी होंगे, और बीच में तो रिंग है, तो क्या बनेगा 2πR+, जैसे 2πR1 R2 R1 R2 बराबर कर दें, तो आंसर आ गया सिग्मा इंटू 4πR, ये आएगी फोर्स। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स में ध्यान से यूज करना है जो मैं बता रहा हूं इसमें। फिर नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट के अंदर आपको एक थिन रॉड देगा, ये लो, ये रही थिन रॉड, ठीक, रॉड की लेंथ है L, मोटाई तो है नहीं। अब ये भी क्या कर रही है, ये भी इसी भी, मान लो नीडल है पानी की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, अब बताओ सरफेस टेंशन की वैल्यू सिग्मा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी है, सिग्मा इंटू कितना, L की 2L, रेडियस का चक्कर नहीं है इसमें, लेंथ है, ये लो, ये री लेंथ, कुछ मॉलिक्यूल यहां पे हैं इस तरफ हैं, फिर लाखों मॉलिक्यूल रॉड के आगे, और कुछ यहां पर भी हैं, ये तो लेना नहीं, थिकनेस तो है नहीं, 12, तो ये भी लेनी है लेंथ, और इस पार दोनों तरफ, इस तरफ भी और पीछे की तरफ भी, तो यहां पर लेंथ क्या लेनी है इसमें, 12। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस चीज को सोचना है। तो जो जो देखो लेना सर्कमफेरेंस ही है सारा, जो वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में, बस दैट्स इट, अपना आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें।